गाइस एजुमेट सर्कल या फिर आप बोल सकते हो एजुमेट रिंग, ये एक्चुअली क्या चीज है एंड इसका यूज क्या है, उसको यूज कैसे करना है। स्पेशली ये इम्पोर्टेंट है सभी देख गाइस के लिए, जो भी ओएस है, ट्रेनी ओएस है, एबी लोग को तो वैसे भी मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजें आप लोगों को हो सकता है नया कुछ जानने के लिए भी मिले। सो ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना। आगे मैंने एक एनिमेटेड क्लिप भी डाल रखा है, वहां पे आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। एंड बियरिंग कैसे चेक करना है, हाँ बियरिंग क्या चीज है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो नए हैं उन लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बियरिंग क्या चीज है। सो बियरिंग क्या है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो एजुमेट रिंग है उसमें कुछ कुछ चीजें है, कुछ पार्ट्स है उसके, उसका नाम जानना वैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन से चीज को क्या बोलते है। इसके बारे में आप लोगों को कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन इसका यूज क्या है, और आप जब कभी भी डेक वॉच कीपर हो स्पेशली जैसे ओएस ट्रेनिंग ओएस या एबी लोग है, जब कभी भी आप नेविगेशन वॉच के लिए जाओगे, ब्रिज पे वॉच के लिए जाओगे, ये चीज आप लोगों को जरूर देखने मिलेगी। सो ये चीज ऐसा है कि आप लोगों को हर एक वेसल पे देखने मिलेगा, बियरिंग के लिए देखना मिलेगा, इससे आप लोगों को अप्रोक्स बियरिंग आप लोगों को पता चल जाता है। बहुत सारे वेसल से बहुत सारे लाइट्स आपको दिख रहे हैं, सो उसमें से आप लोगों को कौन से चीज को एक्चुअली मॉनिटर करना है वो आप लोगों को एजुमेट सर्कल या फिर एजुमेट रिंग से पता चल जाएगा। सो हेलो गाइस, आई एम अल्केश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान इट्स अ सी फेयरर्स वॉइस। आगे मैं आप लोगों को एनिमेटेड क्लिप बताऊंगा, उससे आप लोगों के जो भी डाउट्स है होपफुली क्लियर हो जाएंगे। एंड आप जो भी कमेंट है कमेंट में पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर डाल लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल नए हो तो, एंड लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो पहले जानना जरूरी है बियरिंग क्या है। सो बियरिंग मतलब कि हमारा जो वेसल है, हमारा जो वेसल जिस भी कोर्स पे जा रहा है, मतलब कि 060 या फिर 160 या जो भी कोर्स पे जा रहा है, उस कोर्स पे से मतलब हम लोगों को कोई भी एक वेसल को देखना है तो वो वेसल कौन से अपने कोर्स पे है, मतलब कि हमारे जो कंपास में जो एक रीडिंग रहता है हम लोगों को 0 से लेके 359 तक कंपास में रहता है, उसमें से हम लोगों को वो वेसल कौन से कोर्स पे है, कौन से पॉइंट्स पे है, वो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। सो वेसल को आइडेंटिफाई करना या फिर जो भी लाइट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी हो जाता है, बिकॉज रडार में बहुत सारे टारगेट्स आते रहते हैं। सो एक्चुअली जो मूविंग है ऑब्जेक्ट है या फिर हम लोगों को कौन से जो लाइट है या कौन सा वेसल है उसको मॉनिटर करना है, वो हम लोगों को बियरिंग देख के पता चलेगा। एंड बियरिंग मतलब ऐसा चीज है कि अगर कंटिन्यूसली वो बियरिंग चेंज हो रहा है, मतलब हमारा जो भी कॉलिजन होने का चांसेस है वो कम है, और सेम ही बियरिंग रह रहा है, मतलब कंटिन्यूसली आप सोच रहे हो कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स से वो सेम बियरिंग पे ही वेसल है या जो भी ऑब्जेक्ट है हम लोगों के साथ सेम बियरिंग पे ही रह रहा है, बार बार चेक कर रहे हो सेम बियरिंग पे है, 10 मिनट बाद चेक किया सेम बियरिंग आप लोग को, सपोज वो 050 पे है, आफ्टर 5 मिनट्स आफ्टर 10 मिनट्स आपने देखा वो 050 पे ही है, मतलब कि कोलिजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो थोड़ा डीप नॉलेज है, वो उसमें मैं हम ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सो यहाँ पे एक मैं आप लोगों को क्लिप आगे दिखाऊंगा एनिमेटेड, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा बेयरिंग कैसे देखा जाता है, कैसे पता चलेगा। सो गाइज यहाँ पे क्लिप में मैंने सिंपली वे में दिखाने की कोशिश की है, हमारा कोर्स है 050 एंड टक का बियरिंग जैसे हम लोग ले गए अभी फिलहाल, सो टक का बियरिंग आ रहा है हमारा 040। बियरिंग्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, सेम बियरिंग मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कंटेनर वेसल का बियरिंग जैसे कि हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 064, और बियरिंग कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है मतलब कोलिजन के चांसेस बहुत कम है, और अगर सेम बियरिंग पे हम लोग कंटिन्यूस मतलब 10-15 मिनट तक देख रहे हो मिल रहा है तो मतलब कोलिजन होने के चांस। एंड पार्ट्स नेम जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे फोटो दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को देख सकते हो कि कौन से चीज को क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक आप लोग क्लिप में भी दिखा दूंगा कि ये कौन से पार्ट को क्या चीज बोलते हैं, सेम जैसे पिक्चर में है वैसे ही आप लोगों को वीडियो में भी पता चलेगा कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मालूम चला होगा, इसको एजिमथ सर्कल या एजिमथ रिंग बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर का हमारा ग्लास है उसको रिफ्लेक्टर वेन बोलते हैं। उसके साथ जो ये बड़ा वाला है उसको हम लोग बोलेंगे फार साइट वेन विथ वर्टिकल वायर। उस पर पतला सा एक वायर आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा नियर साइट वेन विथ पीप होल। उसमें एक छोटा सा होल रहता है। आप लोगों को बियरिंग कैसे देखना है मैं आगे एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा। वो क्लिप देख के आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप लोग बहुत सारा और भी दो तीन चीजें हेल्प जैसे इसमें पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आप लोग खाली पिक्चर में देख सकते हो। हमारे लिए दो ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पे एक चीज जरूर बता देना चाहूंगा, ये ब्लैक कलर के ग्लासेस वगैरह है वो उसका मतलब ये है कि आप सन का बियरिंग, मून का बियरिंग, जो अपना ब्राइट लाइट वाला कुछ चीज है उसका बियरिंग भी ले सकते हो। सो गाइज सिंपली आप लोगों को इस तरह से जायरो रिपीटर के ऊपर रख देना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, ये अपना जो नियर साइट वेन है और ये है हमारा फार साइट वेन। उसमें एक पतला सा तार है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उस तार के साथ हम लोगों को देखना है। और कैसे देखना है आप लोगों को, ये जो हमारा नियर साइट वेन है उसके होल में से तार को मिला के हुए वो टारगेट को देखना है। और यहाँ पे आप लोगों को सिंपली रीडिंग मिल जाएगा। आप लोगों को छोटा सा ग्लास यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा जहाँ पे 292 के आसपास बियरिंग दिख रहा है, उसमें पतला सा एक लाइन नजर आ रहा होगा। तो हमारा वही बियरिंग है, वो टारगेट का बियरिंग हमारा वही है 292। चीज लेकिन आप लोगों को हर एक जहाज पे मिलेगा, स्पेशली डेक वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड गाइज ये वीडियो छोटा सा ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।